रंगन की दुनिया से ताल्लुक रखड़ मानू जिंदगी के हर हसीन लम्हे के पैंजी कैमरा में किथे कैद कन था किथे जेका है सो रंगन जरिए उनके निर्वार कन था। कराची में मशहूर आर्टिस्ट एस एम नकवी पारा जेके रंगन सा मुख्तलिफ मानुन जा तस्वीरों ठाई हुई इनके अलावा मुख्तलिफ जेके शयूं ठाई हुई तो उन तस्वीरों की जेका पेंटिंग जेका उन कई है उनकी नुमाइश अज जारी है। उन नुमाइश जो इफ्ताह है वो सिंध असेंबली के अपोजिशनर हलीम आदिल शेख किया है जैसे तो इन वक्त तमाम घना मानू जेके सो वे पेंटिंग की जो नुमाइश है उनमें मौजूद हैं सांस गाल बोल कंदासी तो वे किए महसूस कर रहे हैं। बिकॉज आई एम हियर आई एम सो ग्लैड टू एस एम नकवी। एस एम नकवी दिस अ पेंटिंग इज शोइंग अ solo, it's showing a color and creativity. I'm so happy to see that S. M. Naqvi, it's a brilliant artist in the Karachi or Pakistan, you know, it's Gulji students. So today I'm very happy to hear, and thanks to Time Channel for giving me the mic and this creativity, it's a big honor for me and especially the students fine art. So I'm the fine art student and I'm also teacher SMB caps. सो आई एम वेरी हैप्पी टू डे। तमाम सुठो तो लगे इंसान के हिंसर हूँ भी लॉकडाउन की वजह से कोविड आउटब्रेक की वजह से सब मानू जी परेशान हुआ तो हाँ अड़ा एग्जीबिशंस थे कलर्स जो अचण अड़ा इवेंट थे तमाम घो जरूरी है छो तो असो एकड़ो भुगत है कोविड के कर तो उन्हें मां बाहर निकरण के लिए मेंटली असके पीस खपे हेल्दी है तमाम घो अड़ा इवेंट जी एग्जीबिशंस तो तमाम घना हेल्दी है बारन ला वडन ला सभी ला जो तो रंग दिसूँ था जैसे कलर्स दिसूँ था तो असें तमाम पीसफुल खूबसूरत सुठो महसूस तो थे खूबसूरती दिसी खूबसूरती ही फील थी है। कलर्स को जो इन्होंने शो किया है वो उससे उन्होंने एक तो आर्टिस्ट की फीलिंग्स आ रही है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड थिंग इनके आर्टिस्ट की एब्स्ट्रैक्ट हर कोई तो नहीं समझता लेकिन अपने घर में सजाने के लिए लोग इसको करते हैं और इनके कलर्स बहुत इंस्पायर कर रहे हैं और इनकी जो एक सब्जेक्ट है इनकी थीम है इसमें इनकी हैप्पीनेस सैडनेस सब कुछ इसमें दिखाई गई है तो एक आर्टिस्ट की फीलिंग्स है ये पेंटिंग कैनवस में। मैंने अपना पेंटिंग जो शो किया है उसके अंदर मैंने टाइटल रखा है 1000 वर्ड्स। अंग्रेजी की एक कहावत है पेंटिंग वर्थ 1000 वर्ड्स तो पेंटिंग के लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास अल्फाजों का ज़खीरा होना चाहिए तो वो आपको इसके अंदर नज़र आएगा। मेरे अंदर छुपा हुआ इंसान और जो मैंने ऑब्जर्वेशन की नेचर से ट्रैवलिंग से वो आपको इसके अंदर नज़र आएगी वो एसोसिएट करेगी आपकी इनर फीलिंग से क्योंकि खूबसूरती अंदर है इंसान के। मैंने तो अपने हिसाब से अंदर जो मेरे जंग थी वो मैंने पेंट की है। अच्छा अब आर्टिस्टिक वे में जाते हैं इसमें शेप्स हैं लाइन्स हैं एलिमेंट्स हैं मूड्स हैं लॉट ऑफ स्टोरीज हैं इसके अंदर इस छुपी हुई स्टोरी आपने पिक करनी है और एक कोविड के हिसाब से जो एक टेंस माहौल था अगर आप पेंटिंग देखते हैं तो आपको थोड़ा सा उससे शायद रिलीफ मिले क्योंकि जो मैंने कलर अप्लाई किए हैं वो कोविड में जो हमें आम आदमी को तो शायद टेंस माहौल मिला है मगर हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला काम करने का आर्टिस्टों को तो वो मैंने इजहार किया है। थोड़ा नुमाइश के हवाले से मैं कहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त काम है इनका देख के बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत मेहनत से काम किया है और इनकी हर पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर्स वगैरह हैं माइंड ब्लोइंग काम है इनका। मैसेज तो वो आपको जो आर्टिस्ट हैं वही बता पाएंगे क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट काम है उनका सारा और काफ़ी उन्होंने मिक्स मीडिया में काम किया है और वाइब्रेंट कलर बहुत डार्क और बहुत बोल्ड उन्होंने यूज़ किए हैं और ओवरऑल काम अच्छा है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से कलर्स कॉम्बिनेशन यूज़ कराया है इसमें और इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक्स लगाए हैं इसमें इन्होंने और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो हमें हर तरह के कलर लाइट एंड डार्क सब तरह से कलर हमको बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहे हैं। बट ये बहुत प्यारी है मतलब जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है वो मुझे खुद भी पसंद है जैसे कि मुझे चाहती हूँ कि मैं भी बनाऊँ पर अभी ये जो मास्टर्स होते हैं उनसे गाइडेंस देकर गाइड करेंगे वो तब और मेरे सारे हैं मैं उनसे सीखती हूँ तो तकरीबन मैं अभी लर्निंग तो होता ही रहता है प्रैक्टिस करती रहूँगी तो इंशाल्लाह बस चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा करूँ। मैसेज काफ़ी अच्छा कि रिदम ऑफ कलर्स इसमें तकरीबन हर पेंटिंग में एक रिदम है एक कलर्स आपको मेन दिखेगा हर पेंटिंग में जो एक रिदम बनाता है। अगर आप 100 पेंटिंग्स ही बनाते हो तो उसका एक आर्टिस्ट का एक अपना तरीका होता है कि वो हर पेंटिंग में अपना स्टाइल कैसे नुमाया करे। अब इनकी पेंटिंग में ऑरेंज रेड ब्लैक ये एक पेंटिंग है जो इनका रिदम बना रहे कि हाँ एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग से लिंक है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बहुत कम आर्टिस्ट कर सकते हैं और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है पर्सनली। सिंधु जेका
रंगन की दुनिया की एक हसीन तरीन महलात है सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में केतरा ही वा नाले वा आर्टिस्ट मौजूद हैं। जरूरत इन गाल की है तो उन आर्टिस्ट के प्रॉपर मौके फ्राहम किया वे तो जी हू पैं आर्ट दुनिया के दिखारे सकन। कैमरामैन यासिन सुमर सा गड फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़ कराची।